पहली दफा ये इश्क क्या, जब पहली दफा आपने हीरा को देखा बस बटन दब गया था? हीरा को जब देखा मैंने तो उसकी, मैंने देखा हीरा बड़ी नेचुरल सी लड़की थी। मैं जब हीरा कहाँ देखा, कहाँ देखा? हीरा मेरी फैन थी। तो अच्छा, फैन थी? फैन थी। फैन सामने कैसे आई? सामने ऐसे आई। फैन तो रुको तक होते हैं। फैन तो सोशल मीडिया तक होते हैं, मैसेज कर लिया ज्यादा से ज्यादा। ये कौन सा फैन है भाई? ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है। अच्छा, तो आप, ने मुझे आप तो फैन ही ढूंढ रहे थे, आपके पास तो लाखों फैन थे उस आज भी है। मुझे अपनी तरह की लड़की चाहिए थी, नेचुरल हो, सच्ची हो, जैसे मैं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फैन बड़ी कोई नेचुरल है? मैं मिला। कैसे मिले भाई? वो मिली मुझसे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कि एक सर्दियों की शाम कराची में, जो पड़ती नहीं सर्दी, अचानक सर्दियों की शाम बिछड़ने के बाद कभी उसे नहीं, ये अभी 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 ना आ रहे। तो हुआ ये कि एक फोन आया, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं रेहान शेख और जान है हमारी अदनान शाह टीपू, हम लोग तीनों बैठे हुए थे गाड़ी में। एक कॉल आई मेरे पास, फोन आया तो एक खातून ने मुझसे बात की, वो मेरी फैन थी, उनका नाम था मरियम खान। तो मरियम खान ने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा यार ये, मैंने कहा भाई हमने तो यही देखा है भाई, जो इनकी आवाज़ अच्छी होती है, जो गा सकती हैं, उनकी शक्लें वगले बस नॉर्मली होती हैं। तो हुआ ये कि फिर इस तरह से बातचीत शुरू हुई हमारी। फिर हमने एक जगह पे एक कॉन्सर्ट था, तो अब मैं वो कर रहा था, वो सब मैं कॉन्सर्ट होस्ट भी करते थे, फिर बाद में आते थे, फिर बीच में कोई और आता था बैंड। तो आपने कहा आओ ना जरा तुम्हें कॉन्सर्ट? नहीं नहीं, मैंने तो बुलाया नहीं। कैसे पीछे फोन आया दोबारा से कि मैं कॉन्सर्ट में आई हूँ, तो मैंने कहा जरा एक्साइटमेंट बढ़ गई कि मैंने देखी। लाखों फैंस के बाद भी एक आवाज के पीछे आप देखे देखे। अच्छा अच्छा, मरियम का फोन आया, मरियम फोन आया कि मैं यहीं पे हूँ। मैंने कहा अच्छा सही। मैंने मरियम खान को कहा कि तुम तो गाना अच्छा आता है ना, तुम तो गा सकती हो ना। मैंने कहा भाई मैं चांस देता हूँ गाने का, किधर हो गई? सही है। अब वो शो चल रहा है नूरी आर ओ, पता नहीं कौन कौन से बैंड थे उसके अंदर, बैटल ऑफ द बैंड टाइप का कुछ शो चल रहा था, होस्ट कर रहा था। तो मैंने कहा एक नया टैलेंट आएगा और वो आती हैं स्टेज पे। अभी आपने उनको देखा नहीं हुआ? मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन गाने तो सुने होंगे ना उनसे फोन पे? हाँ, फोन पे तो फोन पे सुनते थे, गीत माला चलती थी। अच्छा फिर होया ये? अच्छा तो भाई अच्छा मुझे स्टेज में अच्छा अच्छा तो नहीं, फिर अपना दादी मैं इससे आगे क्या हुआ? सवाल ये है, एक अननोन लड़की एक सेलिब्रिटी स्टार को फोन करती है, आप को कितना अरसा पहले पहला फोन आया उनका? एक मिनट जरा पाए, सॉरी तू तो उठ जा, मैं जब मेरा अच्छा अच्छा जरा स्क्रिप्ट का बोझ पिया चीख मार। अच्छा मुझे याद नहीं रहता, मुझे कुछ टिप्स लिख के दे दे। अच्छा मैंने मुझे बताया ना। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस कॉन्सर्ट से पहले, हाँ, उससे पहले कुछ 4-5 महीने हो चुके थे, 6 महीने शायद, 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने मतलब आप एक फैन के साथ 6 महीने से बात कर रहे थे। और गाना कितनी दफा सुना आपने? 3000 दफा। जालिम है, रॉयल्टी दी है इन गानों की? अच्छा मैंने देखो हुआ ये भाई कि मैंने उनको बुलाया, वो आई और वो कॉन्सर्ट ले उड़ी, गाना गाना शुरू किया। मैंने कहा भाई ये तो कोई स्ट्रिंग्स भी था मुझे याद है, और इन लोगों को नहीं पता होगा कि वो तो बीच में एक टैलेंट था। अच्छा भाई वो कोई 8,000-8,500 लोग थे। अच्छा उन्होंने क्लैप किया बगैर। अच्छा बस यहीं से स्टार्ट, यहीं बच जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि बच्चे सबक ले रहे हैं, बड़े भैया हुआ कुछ यूं के कॉन्सर्ट खत्म हुआ और लाइफ का कॉन्सर्ट शुरू हो गया। अच्छा अरे यार वो मैं वो फोन पैकेज इजी लोड काम गया भाड़ में है, काम गया भाड़ में कई बार जाएगा कोई नहीं। मामी मामी मुझे छोड़ के मत जाना, मामी मुझे छोड़ के मत जाना, मामी 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 और कर ले नानी, मानी मानी मैं तेरी तेरी मोर निकल
अच्छा सर, शादी आपकी हीरा से हुई, वो लड़की मरियम? हाँ, वो एक्चुअली उसने अपना एक नाम फर्जी से नाम बनाया हुआ था, और ये हीरा ने कोई 15,000 शो हीरा तो शुरू तो मुझे आपसे एक और सवाल है, आप भी आर्टिस्ट राइटर भी हैं, आप डायरेक्शन भी की आपने, और हीरा भी आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट, दोनों इस तरह के आर्टिस्ट जिन्हें जो अलग हैं, दो आर्टिस्ट्स का एक साथ रहना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? आसान है, क्योंकि मेरे घर में तो यही काम हो रहा है, हम सब, मेरे वाले साहब ही काम करते थे, मेरी सिस्टर ने काम किया, थिएटर किया। नहीं, मैं सब एक लव मैरिज की बात कर, लव मैरिज देखें, लव मैरिज हमारी हफ्ते में दो हफ्ते बाद एक लड़ाई तो होती है बड़ी वाली। अच्छा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरा ख्याल में जो ये सर्वाइव कर जाए लड़ाई, वो उसकी शादी चलती है बेसिकली। क्या बात, आज एक नई बात जरूर हुई है, आपकी मोहब्बत सलामत रखे और सदा खुश रहे, कि देखे ना आपका नाम लोग ऐसे लेते हैं, हीरामानी, हीरामानी, इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो सकती है।